खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिक पहलवानों के यौन शोषण केस की शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले 27 जून को मामले की सुनवाई MP MLA कोर्ट में हुई थी, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप पत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। साथ ही अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि यह एक लंबा आरोप पत्र है, जिसके बाद उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी थी। नया आरोप पत्र दायर किया गया, इस पर गौर करना दिया जाए। चूंकि यह एक लंबा आरोप पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए। इन 3 दिनों में कोर्ट 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा। पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं। कोर्ट ने पहलवानों के वकील से यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ, धन्यवाद।